हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बस। तो आज मैं एक कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और एक प्रोफेशनल मिररलेस कैमरा का, जो है सोनी A7 Mark III। इसकी प्राइस है 1,24,000 और ये जब मैंने खरीदा था तब इसकी प्राइस थी 1.5 लाख। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कंपैरिजन करूंगा, जिसमें मैं कंपेयर करूंगा इनके डे टाइम, नाइट टाइम, पोर्ट्रेट्स और इंडोर शॉट्स, और आपको बताऊंगा क्या एक स्मार्टफोन एक DSLR को बीट कर सकता है नहीं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्मार्टफोन वर्सेस प्रोफेशनल कैमरा के बीच हमेशा से ही डिबेट होता है। ऑफकोर्स स्मार्टफोन्स वो नहीं कर सकते जो प्रोफेशनल कैमरास कर सकते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी फील्ड में, बट क्या एमेचर फोटोग्राफर्स को इतना पैसा डालकर एक फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, एक वाइड एंगल, एक अल्ट्रा वाइड, एक 3x टेलीफोटो और एक 10x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। आप स्क्रीन पर डिटेल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। अल्फा A7 Mark III में हमने 2870 वाला किट लेंस यूज़ किया है, जो काफ़ी हद तक गैलेक्सी के 3x लेंस का फोकल लेंथ मैच करता है। अल्फा A7 Mark III में दिया है 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर, एंड वीडियो को फेयर रखने के लिए अल्फा में हम इंटेलिजेंट ऑटो मोड यूज़ करेंगे, जो जरूरत के हिसाब से ISO, कलर और दूसरी सारी सेटिंग्स खुद से एडजस्ट करेगा। सैमसंग में वैसे तो प्रो मोड मिलता है मैनुअल सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए, बट इस वीडियो में हम ऑटो मोड का ही यूज़ करेंगे। तो ये है कुछ डेलाइट शॉट्स। दोनों ने काफ़ी अच्छा फोटो कैप्चर किया है, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है। गैलेक्सी का पिक थोड़ा ब्राइट है, सोनी में कॉन्ट्रास्ट और डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी अच्छा है क्योंकि सोनी का सेंसर काफ़ी बड़ा है, और फोटो को क्रॉप करने पर दोनों में डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सोनी ज़्यादा शार्प है। यहाँ भी सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है और सोनी ज़्यादा वाइब्रेंट है, और इस बार फोटो को क्रॉप करने पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने फोटो को ओवर प्रोसेस करके कुछ पेटल के डिटेल्स मिस कर दिया है, जबकि सोनी में सभी डिटेल्स काफ़ी अच्छी है। ये थर्ड फोटो में दोनों ज़बरदस्त है, सैमसंग में शेडोज ब्राइट है और सोनी के डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से फोटो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, क्योंकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच काफ़ी अच्छा डिफ्रेंशिएशन है। और क्रॉप करके देखेंगे तो सोनी में डिटेल्स भी बेटर है, सैमसंग थोड़ा पिक्सेलेटेड लगता है क्रॉप करने पर। यहाँ पर भी पहले जैसा ही डिफरेंस है, शेडोज गैलेक्सी में ज़्यादा ब्राइट रहते हैं, सोनी में शेडोज हमेशा थोड़े डार्क होते हैं। जहाँ मल्टीपल डिटेल्स आ जाती है वहाँ सैमसंग डिटेल्स मेंटेन नहीं कर पाता, जबकि सोनी चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो फ्रेम में सभी की डिटेल्स काफ़ी हद तक शार्प रखता है। ये फोटो दोनों में काफ़ी अच्छा आया है, कलर्स थोड़े सैमसंग में बेटर है और शेडोज भी ज़्यादा ब्राइट है, सोनी में हल्का सा ब्लू टिंट है, बट क्रॉप करके देखेंगे तो सोनी में डिटेल्स ज़्यादा शार्प है। यहाँ पर भी इस फोटो में भी सैमसंग के कलर्स मुझे बेटर लग रहे हैं, जो वॉल पर विंग्स है उसे देखकर क्लियरली समझ रहा है कि वो सैमसंग में प्योर वाइट है, जबकि सोनी में थोड़ा पर्पल टिंट आया है उस पर। सैमसंग थोड़ा ब्राइट भी है और अभी भी क्रॉप करने पर सोनी ज़्यादा शार्प है, जबकि सैमसंग का 200 मेगापिक्सल मोड यहाँ पर ऑन था। जब डेलाइट काफ़ी अच्छी होती है तब दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बस कलर टोन्स में और डिटेल्स में थोड़ा डिफरेंस रहता है, और सैमसंग शेडोज को थोड़ा ब्राइट रखता है, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन सनलाइट थोड़ी चेंज होने पर सैमसंग बेटर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक पावरफुल चिपसेट की वजह से सैमसंग फोटोज़ को काफ़ी अच्छा प्रोसेस कर लेता है, जिसकी वजह से हाइलाइट्स और शेडोज़ के बीच प्रॉपर बैलेंस रहता है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल कैमराज ऑटो मोड पर इन चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते, इन्हें मैनुअल सेटिंग्स या पोस्ट प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती ही है, और यही चीज़ आगे भी कुछ फोटोज़ में कंटिन्यू होती है। जब तक सन ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता तब तक सोनी भी डिसेंट परफॉर्म कर लेता है, सैमसंग तो डायनामिक रेंज में बेटर ही रहता है, बट जहाँ धूप थोड़ी ज़्यादा या सन ऑपोजिट में होता है वहाँ सोनी स्काई को ओवर एक्सपोज कर देता है फोरग्राउंड की डिटेल्स मेंटेन करने के लिए, या फिर कभी फोरग्राउंड को डार्क कर देता है, जबकि सैमसंग में स्काई और फोरग्राउंड दोनों के बीच प्रॉपर बैलेंस है, क्योंकि उसका HDR काफ़ी अच्छा काम करता है, जबकि सोनी में HDR ऑन करने के बाद भी कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ता। ये बहुत ही ट्रिकी डायनेमिक रेंज सिचुएशन है, और यहाँ सैमसंग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेफ्ट टॉप में स्काई के कलर और राइट में ट्रीज के नीचे के शेडोज में डिटेल्स कैप्चर किया है बराबर से, जबकि सोनी ने टॉप लेफ्ट में स्काई को ओवर एक्सपोज तो किया ही है, साथ में राइट में ट्री के शेडोज को भी डार्क कर दिया है। यहाँ पर भी कलर्स और डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है, सोनी में थोड़ा रेड टिंट है और शेडोज भी डार्क है नीचे ट्रीज के। यहाँ पर दोनों में ही 70mm का टेलीफोटो जूम लेंस है, और यहाँ भी डिफरेंस पहले जैसा ही है। बाकी सैमसंग में आपको 10x पेरिस्कोप जूम लेंस भी मिलता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं। यहाँ सोनी का फोटो ज़्यादा वाइब्रेंट है, और क्योंकि इस फोटो में धूप ज़्यादा नहीं है इसलिए स्काई के कलर्स दोनों में ही अच्छे से विजिबल है, और दोनों के फोटो में शेडोज और हाइलाइट्स के बीच प्रॉपर बैलेंस है। यह है दोनों का 3x जूम सैंपल, और यहाँ भी फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है। और अगर हम 3x वाले फोटो को क्रॉप करके देखेंगे तो देख सकते हैं कि सोनी का फोटो ज़्यादा शार्प रहता है और शेडोज में डिटेल्स भी बेटर विजिबल है। लेफ्ट वाला फोटो सैमसंग के 10x जूम के साथ लिया गया है, सैमसंग में आपको 100x तक का मैक्सिमम जूम मिलता है, और अगर सोनी के 3x वाले फोटो को सेम लेवल पर क्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग में डिटेल्स कितनी शार्प है ज़्यादा जूम के वजह से, जबकि अब सोनी में डिटेल्स काफ़ी ब्लरी है। एक एडवांटेज जो हाई एंड फोन्स में मिलता है वो ये कि एक ही फोन में आपको अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो लेंस मिलता है इतनी कॉम्पैक्ट बॉडी में।
जबकि कैमराज में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे या तो आप वाइड एंगल लेंस ले सकते हैं विद जूम, या फिर सेपरेट अल्ट्रावाइड लेंस लेना पड़ता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। सो ये नॉर्मल वाइड एंगल शॉट है दोनों से, और ये है सैमसंग का अल्ट्रावाइड एंगल शॉट। ये एक और नॉर्मल वाइड एंगल शॉट है जो मैंने पहले आपको दिखाया है, और ये है सैमसंग का अल्ट्रावाइड एंगल शॉट जिसमें आप सेम जगह से ज़्यादा फ्रेम कैप्चर कर सकते हैं। सैमसंग में आप ऐसे इंटरेस्टिंग मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, जबकि सोनी में सेम डिस्टेंस से कुछ ऐसा फोटो आता है। तो ये फील्ड है जहाँ पर स्मार्टफोन्स थोड़े आगे निकल जाते हैं। यह है वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर टू टेस्ट आउट कलर्स एंड स्टेबलाइजेशन। सैमसंग में कलर्स प्रॉपर है जबकि सोनी में थोड़ा सा रेड टिंट है। सैमसंग थोड़ा ब्राइट भी है, और क्योंकि सन लेंस पर नहीं आ रहा इसलिए HDR दोनों का काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सैमसंग में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, और सोनी में इमेज सेंसरशिप टेक्नोलॉजी है स्टेबलाइजेशन के लिए, और अल्फा में स्टेबलाइजेशन बॉडी में है और लेंस में नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी शेकी है, जबकि गैलेक्सी S23 अल्ट्रा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। सन के ऑपोजिट में आते ही सैमसंग में स्काई बेटर विजिबल है, जबकि सोनी में थोड़ा ब्लोन आउट हो रहा है। यहाँ हम फोकस स्पीड चेक कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी का फोकस स्पीड काफ़ी फास्ट है, क्योंकि इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और लेजर ऑटो फोकस दोनों दिया गया है। ये सोनी का वीडियो है, और अल्फा का फोकस स्पीड वन ऑफ द बेस्ट है फिलहाल प्रोफेशनल कैमरा की कैटेगरी में। गैलेक्सी जितना फास्ट नहीं है, बट ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब पोर्ट्रेट्स कंपेयर करते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है, दोनों ने काफ़ी अच्छा फोटो कैप्चर किया है। स्किन टोन्स दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो टी शर्ट का कलर है वो सोनी में प्रॉपर है, जबकि सैमसंग ने ओवर सैचुरेट कर दिया है उसे। अल्फा तो नेचुरली बैकग्राउंड ब्लर करता है बड़े सेंसर की वजह से, इसलिए एजेस प्रॉपर है, बट सैमसंग भी ब्लर में ऑलमोस्ट परफेक्ट है, क्योंकि सैमसंग ने S23 अल्ट्रा में AI स्टीरियो डेप्थ मैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एजेस काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहते हैं। डिटेल दोनों में ही काफ़ी शार्प है। यहाँ भी दोनों ने काफ़ी अच्छा फोटो कैप्चर किया है, लेकिन मैं कलर्स सैमसंग ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि सोनी में हल्का रेड टिंट है, और सैमसंग ने हाइलाइट्स को भी थोड़ा बेटर मेंटेन किया है फेस और नेक पर। बट इस बार एजेस पर सैमसंग में हल्का सा इशू है हेयर और ईयर के पास। ये स्टैचू का पोर्ट्रेट दोनों में काफ़ी अच्छा आया है, बस कलर्स में माइनर डिफरेंस है, और इस बार सैमसंग ने भी एजेस काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, जबकि पीछे के ट्री का कलर भी ऑलमोस्ट सेम ही था, फिर भी कोई इशू नहीं आया। ये लास्ट आउटडोर पोर्ट्रेट है, और यहाँ सोनी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन जो एक्चुअल आईफोन 12 मिनी का कलर है वो सैमसंग ने कैप्चर किया है। एजेस तो दोनों में ही प्रॉपर है। ये है इंडोर पोर्ट्रेट सैंपल। सोनी में स्किन टोन प्रॉपर है, जबकि सैमसंग में स्किन थोड़ी येलोइश हो गई है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन सोनी ज़्यादा शार्प है यहाँ पर। इस इंडोर सैंपल में मैं सैमसंग को प्रेफर करूँगा, क्योंकि लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल किया है और कलर्स थोड़े प्लीजिंग है, जिसकी वजह से फोटो देखने में बेटर लग रहा है। लेकिन जो फर्नीचर का एक्चुअल कलर है वो सोनी ने प्रॉपर कैप्चर किया है, लेकिन लाइट्स और ब्राइट एरियाज को थोड़ा ब्लोन आउट कर दिया है। अब देखते हैं नाइट पोर्ट्रेट्स। ये विदाउट जूम वाला नाइट पोर्ट्रेट है, और बेटर लाइटिंग के लिए मैंने कार की हेडलाइट को पर्सन पर फोकस किया है, जिसके कलर्स सोनी ने प्रॉपर कैप्चर किया है, जबकि सैमसंग ने स्किन को थोड़ा वाइट कर दिया है। एज डिटेक्शन दोनों में काफ़ी अच्छा है, बट सैमसंग ज़्यादा शार्प है यहाँ पर। सोनी में थोड़ी नॉइज़ है जो स्काई पर क्लियरली विजिबल है। ये 3x पर पोर्ट्रेट है, और यहाँ भी कलर्स में 1x पोर्ट्रेट जैसा ही डिफरेंस है, और इस बार क्रॉप करके देखेंगे तो नॉइज़ दोनों में ही है, लेकिन सैमसंग का फोटो ब्राइट होने की वजह से उसमें फेस पर ज़्यादा विजिबल है, और सैमसंग ने कुछ हेयर भी ब्लर कर दिया है। रात के पोर्ट्रेट्स फर्स्ट लुक में नो डाउट गैलेक्सी में बेटर दिखते हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट में उसका नाइट मोड ऑन हो जाता है, और सोनी का फोटो हल्का डार्क लगता है, और क्रॉप करके देखेंगे तो सोनी में नॉइज़ भी ज़्यादा है जो स्काई और फेस पर विजिबल है, जबकि सैमसंग में सिर्फ फेस पर थोड़ी सी नॉइज़ है। ये 3x पर शिफ्ट किया है मैंने, और यहाँ तो सैमसंग ने स्किन को कुछ ज़्यादा ही वाइट कर दिया, जबकि सोनी ने यहाँ की लाइटिंग का टोन मेंटेन किया है। सैमसंग ने बैकग्राउंड की लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल किया है, जो सोनी में ओवर एक्सपोज हो गई है, बट अगर क्रॉप करके देखेंगे तो शार्पनेस अल्फा की बेटर है। सैमसंग का फोटो थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड और पेंटिंग जैसा इफेक्ट दे रहा है, बट यहाँ भी सोनी में थोड़ी नॉइज़ है। बाकी सैमसंग ने नेक और लेफ्ट में शोल्डर के पास एजेस में इशू किया है। अब नाइट शॉट देखते हैं। अच्छी लाइटिंग में दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कलर्स दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है। सैमसंग ने डार्क एरियाज में डिटेल्स ज़्यादा कैप्चर किया है, बट काफ़ी लेंस फ्लेयर आया है उसमें। सोनी का फोटो भी काफ़ी अच्छा है, बट लाइट हल्की सी ब्लोन आउट है। यहाँ भी दोनों ने काफ़ी सिमिलर फोटो कैप्चर किया है। शेडोज दोनों में काफ़ी अच्छे से ब्राइट है, बस सोनी में नीचे की लाइट्स थोड़ी ब्लोन आउट है, जबकि सैमसंग डिटेल्स मेंटेन रखता है। यहाँ सोनी ने काफ़ी बेटर फोटो कैप्चर किया है। डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफ़ी अच्छा है, और डिटेल्स भी बेटर है, और सेम चीज़ इस फोटो में भी कंटिन्यू हो रही है। तो जहाँ अच्छी लाइटिंग होती है, वहाँ एक प्रोफेशनल कैमरा ऑटो मोड पर भी अच्छी टक्कर दे सकता है एक फ्लैगशिप फ़ोन को। बट जैसे जैसे लाइटिंग कम होने लगती है, सोनी डार्क फोटोज कैप्चर करना शुरू हो जाता है, जैसे इस फोटो में दिख रहा है कि राइट साइड में सभी ट्री के डिटेल्स सैमसंग में विजिबल है, बट सोनी में कुछ ट्रीज के डिटेल्स ठीक से विजिबल नहीं है। यहाँ भी सोनी ने थोड़ा डार्क फोटो कैप्चर किया है। यस, यहाँ पर ऑरेंज लाइटिंग है, बट सोनी ने कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज कर दिया है फोटो को। सैमसंग में भी कलर्स प्रॉपर नहीं है जो ट्री पर क्लियरली दिख रहा है, बट ओवरऑल बेटर फोटो कैप्चर किया है सोनी से, क्योंकि डार्क एरियाज में डिटेल्स बेटर विजिबल है। यहाँ पर सैमसंग बेटर दिख रहा है, क्योंकि शेडोज हाइलाइट्स सबके बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया है। जहाँ पर लाइटिंग कम है, जैसे नीचे ब्लूबर्ड जैसा डिजाइन वाला एरिया, वो सोनी में काफ़ी डार्क है, और जहाँ स्टैचू पर लाइट पड़ रही है वहाँ सोनी थोड़ा ब्लोन आउट है, जबकि सैमसंग में स्टैचू के टेक्सचर्स विजिबल है।
सैमसंग एक जगह पर काफी बेटर परफॉर्म करता है, वो है डार्क एरियाज में लाइट सोर्स का फोटो कैप्चर करने में। जैसे ये लाइट बोर्ड का फोटो है, इसमें सैमसंग ने लाइट बोर्ड और आसपास के डिटेल्स दोनों को प्रॉपर कैप्चर किया है, जबकि सोनी ने लाइट बोर्ड को तो कैप्चर किया है बट आसपास का एरिया थोड़ा डार्क हो गया है, और कलर्स भी सैमसंग के बेटर है। और ये सिर्फ इस फोटो में नहीं बल्कि आगे भी कंटिन्यू होता है। तो काफी कम लाइट में अगर आप DSLR या प्रोफेशनल कैमरा से फोटो लेंगे तो मैनुअल सेटिंग यूज करना ही बेटर होगा, वरना ऐसे डार्क फोटोज आते हैं या फिर लाइट्स ब्लोन आउट हो जाती है। फ्लैगशिप फोन में ऐसा कोई इशू नहीं आता, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि प्रोफेशनल कैमरा में भी एक स्पेशल लाइट मोड देना चाहिए। यह सोनी का इंटेलिजेंट ऑटो मोड नाइट सीन को डिटेक्ट करके थोड़ी सेटिंग्स कर लेता है, बट फिर भी गैलेक्सी जैसा आउटपुट नहीं दे पाता। मैनुअल मोड पर यह सारी चीजें एडजस्ट हो सकती है, बट अगर एक स्पेशल लाइट मोड दिया जाए तो कैमरास को ऑटो मोड पर बीट करना काफी हार्ड हो जाएगा। बट फिर भी क्रॉप करके देखेंगे तो सोनी ज्यादा शार्प है सैमसंग से। सैमसंग नाइट मोड पर फोटो को ब्राइट करने के चक्कर में काफी सॉफ्ट कर देता है, और डार्क फोटो कैप्चर करने के बाद भी सोनी का ही फोटो ज्यादा शार्प है। यह है नाइट वीडियो सैंपल। कलर्स दोनों में ही काफी सिमिलर है, लाइट्स सैमसंग में थोड़ी कम ब्लोन आउट है, बट ओवरऑल दोनों का आउटपुट काफी सिमिलर है। बाकी कैमरा मूव करने पर दोनों आसपास की लाइटिंग के हिसाब से काफी अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। DSLR में तो नेचुरली बोके इफेक्ट मिलता है वीडियो में, जो वीडियो को काफी अच्छा लुक देता है। सैमसंग में भी पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है, बट ये ऑब्जेक्ट्स पर काम नहीं करता क्योंकि मैंने इसे ऑन रखा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा। जब आप इसे पर्सन पर ट्राई करते हैं तो इसका बैकग्राउंड ब्लर काम करता है, बट ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में सभी चीज़ें एक ही लेवल पर ब्लर आउट है, डेप्थ के हिसाब से डिफरेंस नहीं आता। और साथ में जब फोन आगे किया तब कैमरा बराबर फोन को फोकस करके पीछे ब्लर कर रहा है, जबकि सैमसंग ने फोन और पर्सन दोनों को ही फोकस कर दिया, जबकि फोन और पर्सन के डिस्टेंस अलग है। सो दोनों ने कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। गैलेक्सी HDR डे वीडियो में बेटर है, और सोनी सभी फोटोज में डिटेल्स में। नाइट में मोस्ट फोटोज में सैमसंग अच्छा था तो कुछ में सोनी। डे टाइम फोटोज दोनों में काफी अच्छे आते हैं एक्सेप्ट फॉर कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस, बट वो सारी चीजें मैनुअल सेटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग से ठीक की जा सकती है। सब आता है मेन क्वेश्चन, क्या स्मार्टफोन कैजुअल फोटोग्राफी के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा को रिप्लेस कर सकता है? सो मेरा आंसर होगा यस, क्योंकि अब स्मार्टफोन कैमरास काफी इंप्रूव हो गए हैं और इनमें काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं और फोटोज काफी अच्छे आते हैं बिना सेटिंग्स को चेंज किए, जबकि प्रोफेशनल कैमरास चाहे वो सोनी हो, निकॉन हो या कैनन, सभी में ऑटो मोड होता है, बट वो अभी भी इतना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं रहता हाई एंड स्मार्टफोन्स की तरह। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा डिवाइस बेटर था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।